अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट और यूनिक स्टाइल में एक सिंपल शर्ट फैब्रिक से ब्रांडेड शर्ट की तरह कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये प्लेन फैब्रिक चूज़ किया है और इसमें हम एंकर के धागे से काम करेंगे। कटिंग से पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। फ्रेंड्स, इस शर्ट को रेडीमेड लुक देने के लिए इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज किया है, मैं आपको तफसील से बताती चलूं। शर्ट की लेंथ हम 37 इंच रखेंगे, जबकि आमतौर पर इस शर्ट की लेंथ 40 इंच है। तीरा हम सेम साइज़ के मुताबिक 14 इंच रखेंगे। चेस्ट हम 20 इंच रखेंगे, जबकि आमतौर पर इस शर्ट का चेस्ट का साइज़ 19.5 इंच है। हिप हम 23.5 इंच रखेंगे, लेकिन आमतौर पर इस शर्ट के हिप का साइज़ 23 इंच है। बाजू हम सेम साइज़ के मुताबिक 22.5 इंच रखेंगे। दामन हम 26 इंच तैयार करेंगे, जबकि आमतौर पर इस शर्ट के दामन का साइज़ 23 इंच है। अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये कपड़ा फोल्डिंग में है। सबसे पहले हम इसकी उरेब निकालते हुए इसे सीधा कर लेंगे। शर्ट की लेंथ हमने 37 इंच तैयार करनी है। कलियों में हमने डिज़ाइनिंग करनी है। सिलाई और कटिंग का मार्जिन रखते हुए हम 40 इंच पर इसको अलग कर लेंगे। इसके घेर का साइज़ 28 इंच है। हम यहां से सेंटर पार्ट के लिए 12.5 इंच पर इस फैब्रिक को अलग करेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक के पार्ट को हमने प्रेस कर लिया है। ये देखें, ये फ्रंट साइड है, ये ओपन है, और ये बैक फोल्डेड साइड हम यहाँ रखेंगे आधे इंच की दूरी पर। और बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी फोल्ड करेंगे। यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस फैब्रिक को रखेंगे। तीरे का साइज हमने 14 इंच तैयार करना है, इसका हाफ 7 इंच है। ये देखिए, इंची टेप को यहाँ रखते हुए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तीरे की तिरछी कटिंग के लिए 1.25 इंच की दूरी पर हम इस तरह निशान लगाएंगे। स्क्वायर शेप स्लीव्स बनाने के लिए हम आर्म होल का इस तरह से साइज करेंगे और निशान लगाएंगे। ये देखिए 9 इंच। इंची टेप को इस निशान पर रखते हुए हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। चेस्ट का साइज 20 इंच है, तो इसके हाफ 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। यहाँ सिलाई का मार्जिन रखते हुए इंची टेप को रखेंगे और 14 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम हिप का साइज़ करेंगे। हिप का साइज़ हमने 23.5 इंच रखना है, 12.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। मैंने कुर्ते की शेप देनी है, इसलिए फ़िटिंग का निशान नहीं लगाया। आप अगर कमीज़ की शेप देना चाहें तो यहाँ फ़िटिंग का निशान लगाते हुए कमीज़ की शेप भी दे सकते हैं। अब हम इस तरह लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम 1 इंच की दूरी पर एक और लाइन ड्रा करेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। यही वाले निशान से 1 इंच की दूरी पर हम एक और निशान लगाएंगे और इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। 2.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और ये तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस फैब्रिक को अलग करते हुए हम ये कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह कट लगाएंगे और यहाँ पर भी, और यहाँ से भी कटिंग करते हुए हम इन चारों कलियों को अलग कर लेंगे। अब हम इस हिस्से को ओवरलैप करते हुए रखेंगे और इस पार्ट को भी। इसके बाद हम शर्ट का साइज़ करेंगे। शर्ट की लेंथ हमने 37 इंच तैयार करनी है। दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए 38.5 इंच पर कट करते हुए हम घेर को सीधा कर लेंगे। गले की चौड़ाई के लिए हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक के गले की लंबाई के लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। फ्रंट के गले की गहराई के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह गोल शेप देते हुए कटिंग करेंगे। ये ओपन साइड फ्रंट साइड है, इसलिए इसके गले की गहराई ज़्यादा होगी।
यहां से हम 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और गहराई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह वी शेप में निशान लगाते हुए हम कटिंग करेंगे। यहां से हल्की सी गुलाई देनी है, यहां से भी हम अलग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड हमने ओपन स्टाइल में बनाना है। 1 इंच की चौड़ी स्ट्रिप लगाएंगे। ये 2.5 इंच की चौड़ाई पर हमने साइज करते हुए स्ट्रिप की कटिंग की है और ऐसे ही 1 इंच की चौड़ाई पर हम चिप्स की स्ट्रिप बनाएंगे। इसके बाद हम बाजों की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई हमने 9.25 इंच ली है और यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल को रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। बाजू की लेंथ हमने 22.5 इंच रखनी है और यहाँ से कुछ लेंथ कम हो रही है, हम एक्स्ट्रा कपड़ा डालेंगे। यहाँ से ओवरलैप करते हुए ये रखेंगे। बाजू की लेंथ 22.5 इंच रखनी है। दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन रखते हुए 24 इंच पर हमने इसको कट किया है। बाजू की मोरी के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस तरह से सिलाई के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम एक और निशान लगाएंगे। इस निशान पर हम कटिंग करेंगे। गले के लिए हम उरेब में स्ट्रिप की कटिंग करेंगे। इस स्ट्रिप की चौड़ाई 1.5 इंच रखेंगे। यहां से सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम चिप्स की स्ट्रिप को चिपकाएंगे। ये हमने दोनों स्ट्रिप्स को एक साइड से फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखें, ये चारों कलियों को हमने इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इसके दूसरे पार्ट को भी यहाँ एडजस्ट करेंगे। इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और बैक साइड को भी हम ऐसे ही फिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइडों से कलियाँ जोड़ ली हैं, फ्रंट और बैक दोनों पर। अब हम यहाँ स्ट्रिप लगाएंगे। इसके लिए स्ट्रिप को हम यहाँ नीचे रखेंगे और 1 पाँव का मार्जिन देते हुए यहाँ पर हम सिलाई के साथ इसे फिक्स करेंगे दोनों साइडों से। फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट्स पर हमने स्ट्रिप लगा ली है। अब इस तरह फोल्ड करते हुए किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। ये दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए हमने इन स्ट्रिप्स को फिक्स कर लिया है। अब हम इस गले को इस तरह रखते हुए इन स्ट्रिप्स की कटिंग करते हुए इनको बराबर कर लेंगे। गले के लिए हम यहाँ से 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस स्ट्रिप को इस तरह रखते हुए एक और सिलाई इस सिलाई के ऊपर लगाएंगे और यहाँ तक इसको बंद कर लेंगे। ये देखें, ये स्ट्रिप्स को हमने जोड़ लिया है और अब हम यहाँ किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह। ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइडों से। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये शोल्डर की हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस उरेब वाली स्ट्रिप को इस तरह रखते हुए यहाँ सिलाई लगाएंगे और पाइपिंग करेंगे। हमने उरेब वाली स्ट्रिप को जोड़ लिया है। अब इस स्ट्रिप की सीधी साइड को इस तरह नीचे रखते हुए यहाँ पर हम राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड जी, हमने राउंड में स्ट्रिप लगा ली है। हम हल्के हल्के हाथों से कट लगाएंगे। और यहाँ स्ट्रिप पर भी हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, इससे गुलाई ठीक आती है। अब इस स्ट्रिप को इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे राउंड में। ये देखें, ये हमने गले की पाइपिंग कर ली है। नीचे की तरफ बढ़ा हुआ कपड़ा नहीं है, टोटल कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। इसके बाद हम बाजू का ये जोड़ लगाएंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये बाजू की हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। ये शोल्डर वाली साइड को इस तरह खोलेंगे और बाजू के ये सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ कोने में हम इस तरह से कट लगाएंगे।
ये हाफ साइड के आर्म होल को हमने जोड़ लिया है। अब फिर से हम सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे और बैक साइड के आर्म होल को जोड़ेंगे। स्कर्ट के ऊपर सुई को इस तरह ठहराते हुए हम सिलाई को इस तरफ टर्न करेंगे। ये देखें, एक स्लीव को हमने आर्म होल के साथ अटैच कर लिया है, किसी किस्म का कोने में झोल नहीं है। ऐसे ही अब हम दूसरे साइड से जोड़ेंगे। देखें, दोनों साइडों से हमने स्लीव्स को स्क्वायर शेप में आर्म होल के साथ जोड़ लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। मोरी के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए हम 20 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह स्ट्रेट निशान लगाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम घेर और चाक को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखेंगे, हमने घेर चाक को फोल्ड कर लिया है और बड़े साइज की नीडल में ये एंकर का धागा डालते हुए अब हम यहाँ टक्स लगाएंगे। यहाँ से बारीक सा टक उठाते हुए इसके सेंटर में डालेंगे। ऐसे ही हम यहाँ तक ये टक्स लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शर्ट के दोनों साइडों से और बाजुओं पर ये टक्स लगा लिए हैं। अब हम गले पर लगाएंगे। ये 5 इंच की दूरी पर हम ये टक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। हम सुई को इस तरह अंदर की तरफ डालते हुए और 1/2 इंच के गैप से हम एक और टक लगाएंगे। और यहाँ से गिरह लगा लेंगे। ये 1.5 इंच की दूरी पर हम दूसरे टक्स लगाएंगे। हम इस रुक पे इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और टक्स लगा लेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर टक्स लगाते हुए हमने शर्ट को रेडी कर लिया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।